गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ब्रोंकियल अस्थमा। दैट इज मींस अस्थमा मींस है स्ट्रगिंग ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथ के साथ स्ट्रगिंग। इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है ये, जो लोअर एयरवे में टेम्परेरी नरिंग ऑफ ब्रोंकाई बाय ब्रोंकियो स्पाज्म। दैट इज कंडीशन डेवलप इज डिशनिया, यूजली एक्सपिरेटरी व्हीजिंग एंड एक्सेसिव कफ के कारण ये कंडीशंस जो इसके सिम्टम्स होते हैं। जो ऐसा इंसिडेंट्स होता है वे 5 to 10 years ऑफ एज बच्चों में पाया जाता है। देन ये बॉयज़ में ज़्यादा होता है गर्ल्स के मुकाबले। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा एंड स्टेटस अस्थमेटिक्स। Analyze triggers of bronchial asthma. Discuss the clinical manifestations. Describe assessment, diagnostic finding, complications, prevention, medical and nursing management of patient with asthma and status asthmatics. Introduction of asthma. Asthma can occur at any age, and this is the most common chronic disease in childhood. Despite increased knowledge regarding the pathology of asthma and the development of better medications and management plans, the death rate of asthma continues to increase. Allergy to strongest predisposing factor of asthma. Chronic exposure to airway irritants of allergens also increase the risk of developing asthma. Common allergen can be seasonal, example grass, tree and weed pollens, and perennial, example mold, dust, leeches or animal dander. Bronchial asthma. Asthma is a chronic inflammatory disease the airway that cause airway hyperresponsivity, pensiness, mucus edema and mucus production. This inflammation ultimately leads to recurrent episodes of asthma symptom, cough, chest tightness, wheezing and dyspnea. Definition of bronchial asthma. Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airway characterized by airflow obstructions, bronchial hyperactivity and a mucus production. Bronchial asthma then नॉर्मल एयरवे कंडीशंस फर्स्ट डायग्राम, सेकंड में अस्थमेटिक एयरवे हो जाता है क्योंकि वॉल जो है इम्प्लांट हो गई और थिकेंड हो गई। देन अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, जब अस्थमेटिक अटैक होता है तब किस कौन कंडीशंस में एयरवे होता है, दिस इज डायग्राम सीन। रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, एलर्जी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर, क्रॉनिक एक्सपोजर एयरवे इरिटेंट्स एंड एलर्जेंस। ट्रिगर ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, फर्स्ट इज allergens, exercise, respiratory infections, nose and sinus problems, drugs and food ADDs, gastroesophageal disorder, emotional distress. Pathophysiology of bronchial asthma. Hypersecretion of mucus, airway, muscle constriction, swelling bronchial membranes. Trigger factors, airway inflammation, narrow breathing passage, wheezing cough, shortness of breath, tightness of chest. सिम्टम ऑफ या क्लिनिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ थ्री कफ एट नाइट, डिस्निया एंड वीजिंग। इन सब इंसेंस कफ मे बी ओनली सिम्टम अस्थमा अटैक्स ऑफ्टन अकर इन नाइट अर्ली मॉर्निंग, पॉसिबली ड्यू टू क्रिएडेशन वेरिएशन दैट इन्फ्लुएंस एयरवे रिसेप्टर थ्री होल्ड्स। देन कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस। असेसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। ए कम्प्लीट फैमिली एनवायरमेंट ऑक्यूपेशन हिस्ट्री इज एसेंशियल टू एस्टेब्लिश टू डायग्नोस। असेसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू केमिकल्स कंपाउंड, स्पूटम कल्चर्स, आरटीएल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीसी, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स फंक्शन ऑफ टेस्ट पीएफटी। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, पिक फ्लो मॉनिटरिंग, पिक एक्सपिरेटरी फ्लो टेस्ट पीईएफ, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। पिक फ्लो मॉनिटरिंग, सबसे पहले पिक फ्लो मीटर इज ए पोर्टेबल इजी टू यूज डिवाइस दैट मेजर हाउ टू अवर लंग्स आर एबल टू एक्सपेल एयर बाय ब्लोइंग हार्ड थ्रू माउथ पीस एंड एंड। पिक फ्लो मीटर कैन बी मेजर द फोर्स ऑफ एयर लीटर्स मिनट, गिव यू रीडिंग द बल्ट इन नंबर स्केल। देन सीन ऑफ पिक फ्लो मोटर मॉनिटरिंग, पीईएफ जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा पीएफटी जांच करते हैं। मेथड ऑफ पिक फ्लो मॉनिटरिंग,
इंटरसेंसियम स्पायरोमीटर। इंटरसेंसियम स्पायरोमीटर आल्सो रेफर्ड टू एस ए सस्टेन मैक्सिमल इंस्पायरेशन SMI इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्रोंकियल हाइजीन थेरेपी। देन इंसेटिव स्पायरोमीटर, मेथड ऑफ यूजिंग इंसेटिव स्पायरोमीटर, प्रिवेंटिंग ऑफ अस्थमा ट्रिगर्स, नॉलेज टू की क्वालिटी अस्थमा केयर, ऑल्थो नेशनल गाइडलाइंस आर अवेलेबल द केयर ऑफ अस्थमा पेशेंट, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मे नॉट फॉलो देम। प्रिवेंशन डेथ पेशेंट, पेशेंट द रिकरेंट अस्थमा शुड अंडर गो टेस्ट ऑफ आइडेंटी फाई द सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट द सिम्टम। नेक्स्ट द पॉसिबल कॉज आर डस्ट, डस्ट माइट्स, सीचेस, सर्टन टाइप्स ऑफ क्लॉथ, पैड्स, हॉर्सेस, डिटर्जेंट, सॉप्स, सर्टन फूड्स, मोल्ड्स एंड पोलन्स। इफ द अटैक्स आर सीजनल, पोलन्स कैन बी स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, द पेशेंट इज एक्सपेक्टेड द अवॉइड ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स वेन एवर पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, स्टेटस अस्थमेटिकस, रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया, एटिलैक्टेसिस। कॉम्प्लिकेशंस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पार्टिकुलर ड्यूरिंग एक्यूट अस्थमेटिक एपिसोड, ऑफ्टन रिजल्ट द हाइपोक्समिया, रिकरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द मॉनिटरिंग पल्स ऑक्सीमीटर एंड आर्टरी ब्लड ब्लड गैसेस। फ्लूड आर एस एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज पीपल विद अस्थमा आर फ्रीक्वेंटली डिहाइड्रेटेड फ्रॉम द डायफोरमोसिस एंड इनसेंसिबल फ्लूड लॉस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। मेडिकल मैनेजमेंट एंड क्लाइंट विद ब्रोंकियल अस्थमा, क्वालिटी अस्थमा केयर इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इनिशियल डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट अचीव अस्थमा कंट्रोल बट आर लॉन्ग टर्म रेगुलर फॉलोअप केयर ऑफ मेंटल कंट्रोल। मेडिकल मैनेजमेंट क्लाइंट विद ब्रोंकियल अस्थमा, इमीडिएट इंटरवेंशन इज नेसेसरी बिकॉज द कंटिन्यूइंग द प्रोग्रेसिव डिस्निया लीड्स टू इंक्रीज एंजाइटी एग्रीवेटिंग द सोल्यूशंस सिचुएशन। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, द जनरल क्लासेस ऑफ लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन अचीव मेंटेन द कंट्रोल पेशेंट अस्थमा, क्विक रिलीफ मेडिकेशन, इमीडिएट ट्रीटमेंट अस्थमा सिम्टम एंड एक्सपीरियंस। लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल मेडिकेशन, कॉर्टिस्टेरॉइड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस करंटली अवेलेबल। कॉर्टिस्टेरॉइड यानी जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी लिवोसिट्रिजिनाइड, लिवोसिट्रिजिन या मोंटेर, न्यूटिलोकास्ट, देर ए ब्रोंकियली इफेक्टिव एलिवेशन सिम्टम, इम्प्रूव एयर वे फंक्शन, डिक्रीज पीक फ्लो वेरिटी। लंग एक्टिंग कंट्रोल मेडिकेशन कोटिस टू मोस्ट स्टेबलाइज लॉन्ग एक्टिंग B2 एड्रेजेनिक एजेंट्स, जेंथिन ड्राइव्स, ल्यूकोडीन मॉडिफायर इनहिबिटर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। क्विक रिलीफ मेडिकेशन, क्विक रिलीफ मेडिकेशन शॉर्ट एक्टिंग बेटा एड्रेजेनिक एगोनिस्ट आर द मेडिकेशन चॉइस ऑफ रिलीविंग एक्यूट सिम्टम एंड प्रिवेंशन एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। दे हैव ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, एंटीकोलिस्ट एग्जाम्पल आई पैराथ्रोपियम ब्रोमाइड, इट्रोवेंट मे ब्रिंग एडेड बेनिफिट ऑफ सीवियर एक्सप्रेशंस बट दे आर यूज मोर फ्रिक्वेंटली ऑफ COPD पेशेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, एक्सेसरबेशंस, अस्थमा एक्सेसरबेशंस आर बेस्ट मैनेज बाय अर्ली ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट एसेंशियल्स। सिस्टमेटिक कॉर्टिस्टेरॉइड मे बी नेसेसरी टू डिक्रीज एयरवे इन्फ्लामेशन इन हू पेशेंट्स हाउ फेल टू रेस्पॉन्स इन हेल्थ बेटा एलर्जिक इंडिकेशन। मैनेजमेंट अस्थमा एक्सेसरबेशंस, इन सम पेशेंट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन मे बी रिक्वायर्ड टू रिलीव हाइपोक्सीमिया एसोसिएटेड विद द मॉडरेट टू सीवियर एक्सेसरबेशंस। ए रिटन एक्शन प्लान्स ऑफ द यूजफुल टूल ऑफ पेशेंट, द हेल्प टू गाइड द पेशेंट इन सेल्फ पीक फ्लो मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग टू एक्सेसरबेशंस एंड आल्सो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइन ऑफ वर्सिंग अस्थमा। पीक फ्लो मॉनिटरिंग, पीक फ्लो मीटर्स मेजर द हाइएस्ट एयर फ्लो ड्यूरिंग द पोस्ट एक्सपायरेशन। पीक फ्लो मॉनिटरिंग, डेली पीक फ्लो मॉनिटरिंग रिकमेंडेड फॉर ऑल पेशेंट्स विद मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा बिकॉज हेल्प मेजर अस्थमा सीवियरिटी एंड विद एडेड सिम्टम मॉनिटरिंग इंडिकेट्स टू करंट डिग्री ऑफ अस्थमा कंट्रोल। द पेशेंट इंस्ट्रक्शन टू प्रॉपर टेक्निक पार्टिकुलर गिव ए मैक्सिमम एफर्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्लाइंट विद अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, द इमीडिएट नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स विद अस्थमा डिपेंड द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम। The patient may be treated successfully as an outpatient patient symptom are relatively mild. He the required hospitalization, intensive care and acute and severe asthma. Nursing management may
The patient family reported any issues because the patient's dyspnea. Thus, the important aspect of care of CALP approach. The nurse's assessment of pulse respiratory status by monitoring the CVT symptom, breath sound, peak flow, pulse oximeter, and vital. The nurse obtains allergic reaction to medications before administering medications and identifies the patient's current use to medications. The nurse administers medication as prescribed as monitors to patient's response to those medications. Fluids may be administered to the patient. Dehydrated antibiotic agents may be prescribed if the patient has the underlying respiratory infections. If the patient required incubation because the acute respiratory failure, the assist incubation procedure continues close monitoring the patient and keeps the patient the family informed about procedures. Patient teaching regarding asthma. Patient teaching is a critical component of care of the patient asthma. Multiple inhalers, different types of inhalers, anti-allergic therapy, anti-reflex medications, and avoidance measures are integral for long-term control. Component of patient teaching. The nature of asthma is chronic inflammatory disease, the definition of inflammation and bronchoconstriction. The purpose and extent of each medication, trigger to avoid and how to do so. Components of patient teaching. Proper inhalation technique, how to perform peak flow monitoring, how to implement action plan, when the sick assistant and how to do so. Status, asthmatic cutters. The severe form asthma is which the airway obstruction in unresponsive to usual drug therapy. A prolonged severe attack the asthma that is unresponsive to initial standard therapy. It is characterized especially by dyspnea, dry cough, wheezing, hypoxemia, and that is might lead to respiratory failure. Cause of status asthmaticus. The attacks can be last longer 24 hours. Infections, anxiety, nebulizer abuse, dehydration. Next, increased L-reduction blockage and non-specific irritants may be contribute to these episodes. Clinical manifestation of status asthmaticus. Labored breathing, prolonged inhalation, engorged neck veins and wheezing and leading to respiratory failure. Assessment and diagnostic finding. Pulmonary function studies are most accurate means to assessing acute airway obstruction. ABG measurement are obtained if the patient cannot perform pulmonary function maneuvers because of severe obstruction or fatigue, or if the patient does not respond to treatment. Medical management with status asthmatics. The medicine setting, the patient treated initially with a short-acting beta-alanine, antigenic agonist and corticosteroid. The patient usually required supplemental oxygen and intravenous fluids for hydration. Medical management client with status asthmaticus. Oxygen therapy with inhalation to treat dyspnea, central cyanosis and hypoxemia. Humidified oxygen by either ventilator mask or nasal catheter in administered. The flow is based on pulse oximeter, arterial bus, venous. If there are no response to repeated treatment, hospitalization is required. Nursing management of status asthmaticus. First, the constantly monitor the patient with the first 12 to 24 hours or until status asthmaticus is under control. The nurse to assess the patient stick trigger to identify sign of dehydration. Find with intake the essential combat dehydration to the lucid secretion facility of expectoration. Continue. The nurse administration intervention fluid prescribed 1 to 4 liter per day unless contraindicated. The patient energy needs to conserve. The room should be quiet and free respiratory irritants including flowers, tobacco, smoke, perfumes, outdoor cleaning agents, non-allergic flow be used. Then topic is complete. Bronchial asthma and status asthmaticus. Thank you everyone.